कंधों पे दो शहजादे देख रहे हो ना, इनके नाना जैसा किसी का नाना नहीं। ये कौन बयान कर रहा है? कोई से आप ही ये उस जबान से निकलने वाले जुमलों को मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह जिनको कुरान कहता है वमा यरतकू मिन हवा इन हुवा इल्ला वहयू यूहा, मेरा महबूब अपनी तरफ से अपनी मर्जी से नहीं बोलता, हुक्म मेरा होता है। इसे आप ही देना हुजूर की हर बात लिख लिया करते थे, हर बात देख कर इतना मरू के आजम है तो हर बात लिख लेता है। हुजूर कभी जमाल भी होते हैं कभी जलाल भी होते हैं, तो जमाल वाली बात तो ठीक है, जलाल वाली बात ना लिखा कर, उन्होंने लिखना छोड़ दिया। आका करीम ने फरमाया हुआ हर बात लिखता था, अब नहीं लिख रहा हूँ। जा हाजी उमर ने मना कर दिया। क्यों? पता नहीं, कुछ तो हाजी अकाउ कहते थे कभी आका जलाल में होते कभी जमाल में। हुजूर ने फरमाया उमर इधर आओ, बुलाया मेरे आका ने फरमाया मेरे से आवाज सुन लो, ओ मेरे लिखने वाले से अभी तो भी सुन ले, मेरी हर बात को लिख लिया कर। मेरे आका ने फरमाया मेरे से आला मेरे इन शहजादों के नाने जैसा किसी का। मेरे इमाम ने सच कहा ना, सबसे जमाने में
इमाम दलाल लेडी के अंदर और शरीया के अंदर इस रवायत को नकल किया कि मोहम्मद बिन ईसा तरी सी रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद बिन ईसा तरी कौन है? सियासत की एक किताब है फिर पोजीशन उसके तौर पे मोहम्मद बिन ईसा तरी को तो इतिबारी अल्लाह का दीदार है, अल्लाह का दीदार है। और जाद की आंखों से तो अल्लाह को दुनिया में तो देख नहीं सकता, जन्नत में तो देखेंगे लेकिन रहमतुल्लाह आपको सौ मरतबा रो एतबारी वाला है। तुम्हारी तरसीब किताब है वो मिले अरबी की जो किताब है इसमें अरबी का जो अशिय है तो सब ये बात मालूम है कि हमारे इमाम को खानदान की रोहन का सौ से जायद मरतबा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी कहते हैं मुझे भी रोज़े बारी ताला का दीदार हुआ। और आप जानते हैं कि आला मुलाकात हो तो बंदा मौका पाके कोई ना कोई बात ऐसी करता है जिससे सबको लगा। अब तो ये हमारे यहाँ तो है नहीं, हम तो अपनी बात करते हैं सबके फैसले वाली बात करते हैं लेकिन मौका मेरे किसी से बात करते मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी ने मौका पाया था दीदार हुआ अर्ज की मौला कोई वजीफा होता जिस वजीफे के बाद किसी और वजीफे की जरूरत होती कोई वजीफा शागिर्द उस्ताद से वजीफा पूछता है, बेटा बाप से पूछता है, मुरीद पीर से पूछता है। हजरत मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी जी कहते हैं मैंने रब को ला लगी कि जाने अकदस से अर्ज की मौला को वजीफा होता जिस वजीफे के बाद मुझे और अच्छी वजीफे की जरूरत होती तुझे और किसी वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौला वो क्या वजीफा है? कहा एक मरतबा सुन्नत पढ़ के ना फजर की, एक मरतबा पढ़ लिया वह अखी है वह जनते ही वह बदी ही है वह उम्मी ही वह अभी है न चीजी में लगा में लड़ी वह नाफी है या हकीम या कयूम या सब जला दे वह बिकरा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मारिफत या अल्लाह या अल्लाह या अरहमुर राहिमीन। यकीनन इतनी देर में आप याद तो कर सकेंगे लेकिन पांच जिम्मेदारी से नजर रहा हो रब्बे जो जलाल ने फरमाया है मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी ये वजीफा एक मरतबा फजर और फर्जों के दरमियान फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान एक मरतबा पढ़ लिया कर तुझे फिर कभी किसी वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हजरात कौन बता रहा है जो वजीफे की भूल करता है जो वजीफे कबूल करता है वो खुद ये वजीफा बता रहा है क्या है बंदे कहे इलाही बेहुरमत हसन इमाम हसन की इज्जत और हुरमत का वास्ता पेश करता है। आखी है मन के भाई हुसैन हुरमत और इज्जत का वास्ता पेश करता है बजरते ही मन के नाना जान के नाम का वास्ता पेश करता है वह बनी है उनकी औलाद का वह उम्मी ही उनकी मां का वह भी है उनके बाप का। कितने बने? चार हैं? चार नहीं छह फिर सुन बेहुरमत हसन व अखी बजरती व बनी व उम्मी ये वजीफा अगर आप याद कर लो मैं जिम्मेदारी से बाधा सकते जा रहा था आपको किसी वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुश्किल भी इस दौर में सेहत नहीं मिलती ही पड़े नब्बा जोड़ा नहीं है एक मरतब पढ़ना शर्त क्या है आगे पीछे नहीं पढ़ना फजर और फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान एक मरतबा पढ़ना एक मरतबा पढ़ना है। हजरात रब्बे जुल जलाल जी इस घराने से इतना प्यार करता है कि इनके नाम की इज्जत और हुरमत का वास्ता पेश करो तो अल्लाह दुआएं कबूल करता है।
ये हमें क्यों ना कहे कि ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी तकलीफ दी है पढ़ ली थी। आज जो डेरी क्या ग्रीन है, ग्रीन है, इससे जो ज्यादा समझा रही है और दाता हुजूर से जो डेरी हो लेकर भला मोहल्ला जा रही है और करबला से जो बदर हजरत जा रही है उस पे हम सब का नाम आना चाहिए। ये बात ये चाहती हो सहनी है सुसर भी अपना तो आपको क्यों तकलीफ दिया पढ़ सुनो ये जहाँ रब्बुल आलमीन ने तुम्हें बताया कि इधर जाओ, ये रास्ता है, इधर जाओ।
जिब्रील चुलाते हैं हसन के झूले को लगता है कि आगारा दरबारी हुसैन सुल्तानी हुसैन है।